ये है बगीचे जाने का रास्ता। अच्छा जैसे ही आ जा, देखिए बगीचा आने वाला है। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में बगीचे में बहुत अच्छा लगता है। ये करेरा का प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर। मोबाइल एक ही मंदिर आने वाला है, ये मंदिर का मेन गेट है। मंगलवार को बहुत मेला लगा है भाई, इतनी यहाँ दुकानें लगी हुई है। आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जय श्री राम हमेशा चलती है, नवरात्रि में 9 दिन जय श्री राम चलती है। प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये है मंदिर का आने, मंदिर पर सही से जाते हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार। देखिए मंदिर स्टार्ट हो गया, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। मैं प्रसाद ले रही हूँ, बगीचा का मेन दरबार या बब्बा का बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। पीपल का पेड़ है मंदिर के जस्ट सामने। ये भी मंदिर का निर्माण चल रहा है, कुछ ही दिनों में ही पूरा हो जाएगा। ये नया राम मंदिर बन रहा है बगीचा में। नवरात्रि के अवसर पर श्री राम 24 घंटे होती है इधर। ये भी मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है। ये शंकर जी का मंदिर है। अब हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये सामने नदिया भगवान है। और भी मंदिर के दर्शन करेंगे। कुंडली है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो हवन यही होता है। बगीचा तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। ये भी शंकर जी का मंदिर है।
यहाँ घूमती हुई परिक्रमा ले रहा है। यहाँ बहुत बगीचा लगा हुआ है, बाउंड्री हो गई है इसलिए दिख नहीं रहा है। इसका नाम बगीचा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ बहुत बगीचा है, बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बाउंड्री हो गई है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। ये बगीचा जाने का अंदर से रास्ता है, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। इसे हम खेरापति मंदिर जा रहे हैं, जो अंदर चल रहे हैं बगीचा होते हुए ही हम खेरापति मंदिर जा रहे हैं। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से किला भी दिख रहा है करेरा का, यहाँ से ये माता मैया का मंदिर दिख रहा है और ये किला भी दिख रहा है। ये सारे प्राचीन मंदिर है, इसलिए खेत आसपास हैं सारे मंदिरों के। ये करेरा का सबसे निचला क्षेत्र है, खेरापति मंदिर आने वाला है। देखिए मंदिर का दिख रहा है लगा है, कि मंदिर आ गया, मंदिर का मेन गेट दिखने लगा है। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ यही है, हम अंदर क्यों जा रहे हैं, हम अंदर क्यों जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत हरियाली है, बहुत पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ तो बड़ा अच्छा बगीचा है। बहुत अच्छा बगीचा लगा है, बहुत देखिए कितना बगीचा लगा हुआ है। ये करेरा के सारे प्राचीन मंदिर हैं, मैं अंदर की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना मनमोहक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ये बाबा का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इधर भी बहुत हरियाली है। जाकुंड में पापा नाचते, जाकुंड में पापा नाचते, जो भी हो मुला बात सुन। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, देखिए कितना प्यारा, आप भी दर्शन कीजिए। अब हम परिक्रमा गए हैं, सारे में हरियाली हरियाली ही है। देखिए यहाँ खेतों में कितने फ्लावर लगे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं खेतों में कितने सारे फूल लगे हैं। देखो फूलों की कोई कमी नहीं है, हाँ वही तो कर रहा है, हाँ हाँ कोई कमी नहीं है फूलों की, बहुत सारे फूल लगे हैं। अब हम घर की ओर वापस जा रहे हैं, अब यहाँ रास्ते में करदई की माता का मंदिर और पड़ेगा, वहाँ पर भी हम रुकेंगे, आपको भी दिखाएंगे। करदई की माता का मंदिर आ गया, ये सब प्राचीन मंदिर है करेरा के। देखिए करदई की माता का मंदिर,
ये दुर्गा माता का पाठ बैठा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी, तब तक लिए बाय, टेक केयर, सी यू।